हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विथ लक्ष्यू। आज के इस वीडियो में हम बीआई का प्रैक्टिकल नंबर 6 को परफॉर्म करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे प्रैक्टिकल वीडियो का एम क्या है। ओके, तो यहाँ पे मैंने अपना सिलेबस को ओपन करके रखी हूँ। तो आज हम 6 वाला प्रैक्टिकल परफॉर्म करने वाले हैं, जिसमें बोला है अप्लाई द व्हाट इफ एनालिसिस फॉर डेटा विजुअलाइजेशन डिज़ाइन एंड जनरेट नेसेसरी रिपोर्ट बेस्ड ऑन द डेटा वेयरहाउस डेटा। ओके, तो चलिए इसे देखते हैं प्रैक्टिकली कैसे करेंगे। ओके, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको एक्सेल को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे आपको एक व्हाट इफ एनालिसिस है ना, उसे यूज़ करके आपका जो डेटा विजुअलाइजेशन है उसे देखना है। ओके, डेटा विजुअलाइजेशन परफॉर्म करना है। तो यहाँ पर एक्सेल ओपन होने के बाद आपको ब्लैंक वर्कबुक को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा डेटा डालना होगा। वो डेटा में क्या होगा, सबसे पहले तो नेम होगा, नीचे में जो भी आपका एक स्टूडेंट का डेटा डालेंगे हम, तो वो स्टूडेंट का नाम लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल कविता। और यहाँ पर हमारे सब्जेक्ट्स लिख लेते हैं, तो SIC ले लेते हैं, फिर उसके बाद ले लेते हैं और क्या था, ITSM, SQA और था BI, देन था हमारा PGIS। ओके, और यहाँ पे एक टोटल करके टैब ले लेते हैं, दैट्स इट। तो SIC को मार्क्स दे देते हैं, आप कुछ भी मार्क्स दे सकते हो, फॉर एग्जांपल 60 दे देती हूँ, फिर यहाँ पे हम दे देते हैं 55 और इसे दे देती हूँ मैं 50, और BI को एम्प्टी रखते हैं और PGIS को 48 देते हैं। ओके, टोटल में हम क्या करेंगे, टोटल में आने के बाद आपको यहाँ पे लिखना होगा इज इक्वल्स टू सम, हम फॉर्मूला लगाएंगे, उसके बाद ब्रैकेट ओपन कर लेना है, उसके बाद से यहाँ पे कर्सर रख के और यहाँ पे ऐसे आपका सारे सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे पैरेंथेसिस डाल के एंटर कर लेना है। ओके, तो ये सारे सब्जेक्ट्स के टोटल यहाँ पर आ जाएंगे। ओके, अभी हमें व्हाट इफ एनालिसिस का यूज़ करना है, राइट? तो उसके लिए हमें डेटा पर क्लिक करना होगा और यहाँ पे व्हाट इफ एनालिसिस पर क्लिक करना होगा। सबसे पहले हम गोलसिक मेथड देखेंगे, फिर हम सिनेरियो मैनेजर भी समझेंगे। ओके, तो आपको गोलसिक मेथड पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे सेट सेल, सेट सेल मतलब जो आपका सेल है ना, जिसमें आप जिसका टोटल, फॉर एग्जांपल ये टोटल वाला सेल है ना, ये 213 हमारा सेट सेल होगा, राइट? क्योंकि हम इसमें टोटल मार्क्स दिखाएंगे, हमारा टू वैल्यू हम इसको देंगे 280। फॉर एग्जांपल मैं कहना चाह रही हूँ कि अगर मैंने यहाँ पे अपना जो टोटल है 280 सेट किया, तो ऐसा कौन सा नंबर आएगा यहाँ BI में जो कि पूरा इसको कैलकुलेट करेंगे तो प्रॉपरली 280 बनेगी, राइट? तो इसके लिए हम ये फॉर्मूला कर रहे होंगे गोलसिक का। तो सेट सेल में हमने तो सबसे पहले ये वाला टैब को दे दिया, राइट? तो यहाँ पे से आप टैब ऐसे करके भी सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, ये देखिए ये वाला एरो दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना होगा और यहाँ से सिंपली वो सेल पर क्लिक कर देना होगा। तो हमने सेट सेल पर वो सिलेक्ट कर लिया, वैल्यू दे दिए 280, हम टोटल मार्क्स 280 देना चाहते हैं। तो ऐसा क्या करेंगे, ऐसा कौन सा नंबर आएगा BI के जगह में जो कि प्रॉपरली जो हमारा रिक्वायरमेंट है उसे फुलफिल करेगा। बाय चेंजिंग सेल कौन से सेल को में डेटा ऐड करना है वो, तो यहाँ पे हम BI वाले में डालेंगे। ओके, और उसके बाद यहाँ पे ओके कर देंगे। तो देखिए उसने कैलकुलेट करके प्रॉपरली वहाँ पे नंबर डाल दिया है, जिसके कैलकुलेशन से अब ये सभी को आप मिला लोगे तो प्रॉपरली 280 हो जाएगी। अभी हम देखते हैं सिनेरियो मैनेजर। तो सिनेरियो मैनेजर में क्या होता है वो भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमें तो एक नया डेटा क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पे मैं सिंपली डेटा क्रिएट कर लेती हूँ, पार्ट्स, और यहाँ पे कॉस्ट, जो हमारे लैपटॉप के पार्ट्स होते हैं ना उसके ऊपर है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेती हूँ। पार्ट्स के लिए हम ले लेंगे बॉडी और यहाँ पे ले लेंगे सर्किट बोर्ड और यहाँ पे ले लेंगे वायर्स और यहाँ पे लास्ट वाला आ जाएगा लेबर और यहाँ पे टोटल। ओके, तो बॉडी पार्ट्स के लिए हम यहाँ पे नंबर डाल देते हैं, ये वाला 10 दे देते हैं इसको, फिर इसको 18, कॉस्टिंग दे देते हैं, वायर्स का दे देते हैं 9, फिर लेबर का दे देते हैं 7 और टोटल में हम वो फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसके लिए आपको इज इक्वल्स टू सम लिखना होगा, पैरेंथेसिस ओपन करो, ये सभी नंबर को यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके सिलेक्ट करो, फिर पैरेंथेसिस लगा दो और एंटर कर दो। तो 44 हमारा टोटल होगा, राइट? दिस इज़ द एक्चुअल डेटा।
अभी हम इसमें सिनेरियो मैनेजर का यूज़ करेंगे, तो देखते हैं चलिए कैसे क्या होता है। तो व्हाट इफ एनालिसिस के ड्रॉप डाउन मेन्यू पर आपको क्लिक करना है, देन सिनेरियो मैनेजर को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे हम सिनेरियोस देंगे कि अगर हाई हुआ लो हुआ तो उसके हिसाब से आप जो कॉस्ट है उसे बदल देना। ओके, तो यहाँ पे सिंपली ऐड के बटन पर क्लिक करो और यहाँ पे फॉर एग्जांपल हाई के लिए सबसे पहले तो आपको प्रेजेंट का डेटा डाल देना है। तो यहाँ पे सिंपली प्रेजेंट लिखेंगे, चेंजिंग सेल में इसको क्लिक करेंगे और ये जो चार है ना सेल्स, जो हमारे चार पार्ट्स हैं उसका जो कॉस्टिंग है उसको सिलेक्ट कर लिया। ओके, तो यहाँ पे देखिए ऐड हो गया, अभी ओके कर देना है। तो यहाँ पे देखिए जो प्रेजेंट डेटा है ना, जो जैसे है उसे वैसे ही रहने देना। ओके, इसको ऐड कर लेंगे। अभी नेक्स्ट सिनेरियो हम ऐड करेंगे, तो उसके लिए लो वाला, ठीक है, तो लो लिख देना है। तो यहाँ पे देखिए इसने सेल प्रॉपरली सिलेक्ट कर लिया है, J4 से J7 तक। ओके, तो यहाँ पे आपको ओके कर देना है और यहाँ पे अभी वैल्यू चेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल लो के लिए कर रहे हैं, राइट, तो लो के लिए लास्ट टू लास्ट कितना जा सकता है, 10 का जाएगा 7, 18 का जाएगा 12, 9 का जाएगा 6 हो सकता है, 7 का हो सकता है 5। ओके, और ओके कर देना। तो यहाँ पे प्रेजेंट और लो तो ऐड हो गई, चलिए हाई के लिए भी कर देते हैं। तो आपको ऐड के बटन पर क्लिक करना है, देन यहाँ पे सिंपली हाई ये सेल्स को वैसे ही रहने देना है और ओके कर देना है। उसके बाद ऐसे टैब खुलेगी, तो टैब में हाईएस्ट टू हाईएस्ट कितना जा सकता है, 10 का जा सकता है, 18, फिर इसके बाद 18 का और कितना जा सकता है, 18 का जाएगा 24, 9 का जा सकता है अपना 14 और 7 का जा सकता है अपना 10। ओके, और ओके कर देना है। तो यहाँ पे देखिए तीनों सिनेरियो ऐड हो गए, प्रेजेंट, लो और हाई। तो अभी फॉर एग्जांपल हाई का जो हमने सेट किया था सिनेरियो, तो हाई पर मैं क्लिक करूँगी और यहाँ पे शो पर क्लिक करूँगी ना, तो ये हाईएस्ट डेटा दिखाएगा हमें। देखिए कैलकुलेट, अगर हाईएस्ट हुआ तो ये आपका टोटल होगा, और वही अगर लो के लिए तो लो पर क्लिक करूँगी और फिर शो करूँगी तो लोएस्ट में ऐसे। तो ये एक सिनेरियो मैनेजर, राइट, सिनेरियो मैनेजर के यूज़ करके हमें ऐसे अपने जो डेटा है उसे दिखा सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक नए वे में, डेटा विजुअलाइजेशन इसे कहते हैं। ओके, फिर वही अगर आपको समरी चाहिए होगा तो आपको कोई भी ये वाला सिलेक्ट कर लेना सिनेरियोस, उसके बाद समरी पर क्लिक कर देना और यहाँ पे सिनेरियोस, अगर रिजल्ट सेल आपको बाजू में भी रखना है तो भी इट्स नॉट एन इशू, कहीं पे भी सिलेक्ट करो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और ये ध्यान देना कि सिनेरियो समरी सिलेक्टेड हो और ओके के बटन पर क्लिक कर देना। तो यहाँ पर देखिए जो आपका सिनेरियो है उसका पूरा समरी आ गया है। ओके, तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि कैसे हम अपना जो डेटा होता है उसे विजुअलाइज करेंगे हमारे एक्सेल में, वो भी किसके थ्रू, ये व्हाट इफ एनालिसिस के थ्रू। ओके, तो अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी डाउट या इश्यू रहेगी तो फील फ्री टू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।